गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चार्ल्स लॉ। फर्स्ट क्लास में डिस्कशन करतिला कोन बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ रे कोन थिला एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एट कोन ना कांस्टेंट टेंपरेचर जोटा की कहितली शॉर्टकट रे कोन ना बीटी, बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो जते बेला हमें फर्स्ट सेकंड पढिया कोन ना चार्ल्स लॉ दे दिया, तो कोन गैसेस लॉ स्टेटमेंट कोन बोलती ना, इट कैन बी स्टेटेड एज एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, तो माने गिवन मास माने एक नंबर ऑफ मोल्स बा मास कोन हो ना, मास एटी कांस्टेंट रहबो, मास इक्वल टू कांस्टेंट आ कोन ना प्रेशर भी कांस्टेंट रहबो। ओके, ताले एट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस 1/273 दीटा सिलिंडर नेवा तो दीटा अंदर प्रेशर 1 एटीएम रखिवा कांस्टेंट, एथले भी 1 एटीएम रखिवा सिमिलरली कोन हो ना टेंपरेचर जे तोरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड थिवो वॉल्यूम कते वी 0, जते बेला हम टेम वॉल्यूम को कोन करिवा वी 1 को इंक्रीज करिवा टेंपरेचर कते 1 डिग्री इंक्रीज हो 1 डिग्री सेल्सियस। तो जते बेला वॉल्यूम हम बढौ जंदी टेंपरेचर भी मध्ये कोन होची बढौ जी, ताले इनडायरेक्टली हम कहि परिवा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम बढीबा सहित टेंपरेचर कोन हो जी हमर इंक्रीज करू जी। तो सिमिलरली जते हम नेबा जते बेले हम वॉल्यूम ना टेंपरेचर ना बा 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेबा, ताले हमर वॉल्यूम कते जो इनिशियली अछि वी 0, ताले 1 डिग्री राइज करले केता हम ना 1/273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो जते बेले वॉल्यूम टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लउतले सेते बेले हम वॉल्यूम आसुतला केते ना बी 0, जते 1 डिग्री राइज करले ताले ओबवियसली टेंपरेचर वॉल्यूम कोन हम इंक्रीज करियो ताले बी 0 प्लस 1/273 बी 0। ओके, जते बेले हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड नेवा सिमिलरली केता हम बी 0 प्लस 1/273 प्लस 1/273 बी 0, ताले एटा करो आमे जे तळे एलसीएम ले जीवा कोण हबो ना बी 0 प्लस 2/273 बी 0। सिमिलरली जदि आमे -1 डिग्री सेंटीग्रेड नेवा ताले बी 0 एटा कोण जो डिग्री जे जो वॉल्यूम 0 डिग्री थिला बळे वॉल्यूम 0 डिग्री कोण थिला टेंपरेचर थिला बळे बी 0 आसुतला से तळे -1 डिग्री सेंटीग्रेड आले एटा कते जो बी 0 -2/273 बी 0 सॉरी -1/273 बी 0। सिमिलरली जदि हमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड नवा रखत है जो बी 0 माइनस रखत है जो एलसीएम में लेट है जो हमरो -273 डिवाइडेड बाय 273 बी 0, तल 273 273 कैंसिल हो गेले बी 0 माइनस बी 0 इक्वल टू 0, जोटा कि हमें कहबा कोन एब्सोल्यूट 0 टेंपरेचर। ओके, जोटा कि हमें कहबा कोन कहबा ना एब्सोल्यूट 0 टेंपरेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड आ वॉल्यूम कते हो जाउची 0 हो जाउची, तल दुई टे इज नॉट पॉसिबल। सो हमें जते बेले टी डिग्री सपोज टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड नवा टेंपरेचर ताले हमर वॉल्यूम कते हो जाउ ना बी 0 प्लस टी 1 बाय 273 बी 0, जोटा कि हमें इटा डिनोट करिया बी टी 1। तो जते बेले टी 2 डिग्री सेंटीग्रेड नवा तब हमें डिनोट करिया बी टी 2। ओके, इक्वल टू कते बी 0 प्लस टी 2 बाय 273 बी 0, ताले एटा जदि हमें एलसीएम ले जाउ जोंदी ताले बी 0 टोटल ला कते 273 तरला 273 बी 0 प्लस टी 1 बी 0, ताले जदि हम एटा कॉमन ले जीवा बी 0 ताले केत रहला बी 0 इनटू 273 प्लस टी 1, मु कहितले 1 केल्विन इक्वल टू 273
273 सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताले जे ताले T1 डिग्री सेंटीग्रेड आसे ताले केतो आबो ता T1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू केतो 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड T1 केल्विन सॉरी 10 डिग्री केल्विन ताले केतो T1 केल्विन इक्वल टू केतो 273 प्लस T1 डिग्री सेंटीग्रेड दुटा के हम बेटा पाइ जों T1 डिग्री सेंटीग्रेड रे हम लिखिले केतो लिखिबा बाय 273 એટલે કે B0 એટલે કે તમે જુઓ T1 કે કેલ્વિન ને રહ્યો ડિવાઇડેડ બાય 273 સિમિલરલી જે તોળે B2 પે નવા અમાર કે તમે જુઓ B0 T2 કે ડિવાઇડેડ બાય 273 તલે એટા કોઈ ઇક્વેશન 1 નવા એટા કોઈ ઇક્વેશન 2 નવા એટા ઇક્વેશન 1 નવા એટા કોણ નવા ને ઇક્વેશન 2 ताले हमें डिवाइडिंग करियो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 ताले एटा कते हिजो v t1 / v t2 इक्वल टू कते हिजो ना v0 t1 / 273 / v0 t2 / 273 ता 273 273 कैंसिल हिजो आ को रहयो ना t1 B1 by B2 equal to कते ना T1 by T ताले B1 by B2 equal to T1 by T2 ले हम लिखी परिवा B is directly proportional to T Charles law may also be defined as at constant pressure the volume of a given mass of a gas is directly proportional to T ताले B इक्वल टू कते गुडा कांस्टेंट बाय प्रोपोर्शनलिटी ऑटेल गुडा कांस्टेंट बाय इक्वल टू के टी सो हमें के इक्वल टू कते पाइबा बी बाय टी जते दीटा केस पे नेबा गोटे केस पे पाइबा बी 1 बाय टी 1 इक्वल टू पाइया कते बी 2 बाय सो दीज आर द कोन डेरिवेशन ऑफ कोन चार्ल्स लॉ ताले आमे बॉयल्स लॉ रे कोन पढीतले बीटी चार्ल्स लॉ रे मन रखियो सीपी ताले बीटी कोन ना बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेंपरेचर ओके चार्ल्स लॉ रे मन रखिबा चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर ओके नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट कोन ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन and significance means importance of Charles law को हमें importance देके कौन करी परियो